हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आप सबका स्वागत है ऑफबीट व्लॉगिंग में और एक एक बार। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेटिव नहीं है। तो कोलकाता में एयरपोर्ट के पास जो रहते हैं उनके लिए एक अच्छा सा गैराज या पेंटिंग बूथ आप बोल दें अपनी गाड़ी के लिए, या वॉश करने के लिए अगर आप चाहते हो, अगर आप एयरपोर्ट के आसपास के रहते हो। तो मैं एक जगह के बारे में, मैं पिछले बार गया था अपनी गाड़ी को वॉश कराने के लिए, तो वहाँ पर जाकर देखा। वहाँ पर मैं पहले भी एक बार गया हूँ, तो मेरी गाड़ी का एक बार मैं सर्विसिंग करवाने के लिए मैं लेके गया था। तो काम बहुत उनका अच्छा है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि सर आप लोगों को भी इन्फॉर्मेशन दे दूँ। तो जूम मैकेनिक्स के नाम से है ये आपका। आप एयरपोर्ट से बारासात की तरफ अगर जाओगे तो बिराटी क्रॉस करते लेफ्ट हैंड साइड में जो पेट्रोल पंप है उसके पास में ही है। तो क्लीनिंग वगैरह भी होती है गाड़ी का, गाड़ी वॉशिंग वगैरह करते हैं, पॉलिशिंग वगैरह करते हैं, पेंट का काम उनका अच्छा है। मैं पिछली बार गया था तो मैं थोड़ा सा वीडियो बना के लेके आया, मैं अपनी गाड़ी का भी जिसका मैंने वॉश करवाया है, और वहाँ पे कुछ और गाड़ी वगैरह भी खड़े थे, गाड़ियाँ खड़ी थी, तो जिनको मैंने थोड़ा सा एक ऐसी क्लिप लिया कि जिनको पेंट वो किया जा रहा था, कुछ का पेंट पैनल वगैरह हो गया था। तो जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए छोटा सा एक वीडियो है, जिससे जो आसपास रहते हैं उनको पता लगे कि वहाँ पे एक अच्छा सा एक सेंटर है जहाँ पे आप अपनी गाड़ी का गाड़ी की देखभाल अगर आप करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप उसको लेके जा सकते हो। और शुरुआत में मैंने जो क्लिप्स वगैरह दिया वहाँ पे मैंने अपनी गाड़ी का वॉश करने का दिया कि कैसे वहाँ पे वॉश करें, और आखिर में देखिएगा वहाँ पे जो बाकी गाड़ियाँ वहाँ पे खड़ी है जो पेंट वगैरह करने के लिए हैं उनका मैंने कुछ क्लिप्स वगैरह दिया हुआ है। तो आप इसको चेक कीजिए और देखते रहिए इस वीडियो को, आखिर में बात करते हैं। तो ये है मेरी गाड़ी होंडा अमेज, जिसके व्लॉग मैंने आपको पहले भी दिखाया है। बहुत गंदी हो गई है, बीच में बारिश हुआ था तो धूल मिट्टी कीचड़ सब जम गया है। तो ये घर में धोने से जो नीचे के जो गंदगी वगैरह है वो जा नहीं रहे थे, तो मैं सोचा कि चलो एक बार फिर से प्रोफेशनल वॉश की ज़रूरत है गाड़ी को। तो मैं लेके आ गया जहाँ पे मैंने आपको कहा था जूम मैकेनिक्स बिराटी के पास में। तो यहाँ पे प्रोसीजर यहाँ पे शुरू हो गया है। यहाँ पे सबसे पहले वो गाड़ी के अंदर इंटीरियर क्लीनिंग वगैरह करते हैं वैक्यूम से, और उसके बाद ये चीज़ मुझे अच्छा लगता है। देखिए यहाँ पे नीचे एक मशीन जा रहा है जो जिससे बहुत ज़्यादा पानी नीचे के गाड़ी के नीचे की तरफ में वो स्प्रे करता है, जिससे नीचे के धूल मिट्टी वगैरह सब साफ़ हो जाता है। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे ये चीज़। बहुत हाई प्रेशर में वो पानी फेंकते हैं तो उससे साफ़ हो जाता है गाड़ी के नीचे की तरफ, जहाँ पे अगर मिट्टी वगैरह अगर जमा हुआ रहे तो रस्टिंग हो सकता है, तो वो चीज़ साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा शुरू हुआ गाड़ी का वॉश, बड़ा प्लीजिंग लगता है मुझे देखना। तो आप देखते रहिए, ज़्यादा बात नहीं करूँगा, म्यूज़िक के संग आप देखिए। यहाँ पे देख लीजिए जूम मैकेनिक का डिटेल्स वगैरह है, फ़ोन नंबर वगैरह, इसलिए मैंने यहाँ पे ले लिया जिससे आपके पास इन्फॉर्मेशन रहे। बिराटी के पास में ही है, अच्छा खासा इनका सेंटर है, वर्क पावर भी बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं सर्विसिंग, क्लीनिंग, पेंटिंग वगैरह के लिए। तो ये देखिए अंदर के बूथ में यहाँ पे कुछ कुछ गाड़ियाँ वगैरह पेंट हो भी रही थी। ये जो एक गाड़ी का पेंट है ये बहुत सिमिलर है मेरी गाड़ी के पेंट से, तो मैं इसीलिए थोड़ा सा लिया हूँ कि आपको भी थोड़ा सा आइडिया मिले कि इनका फिनिशिंग वगैरह कैसा है, इनका काम कैसा है। ये सब ऑन प्रोसेस थे तो फिनिशिंग मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा। तो ये एक गाड़ी है और उसके आसपास भी दो चार और गाड़ियाँ थी। देखिए यहाँ पर सब डेडिकेटेडली यहाँ पर पेंट हो रहा है। तो पेंट करने के बाद इनके पास पेंट बूथ अलग से है नहीं, लेकिन ये चारों तरफ एक कर्टन की तरह डाल लेते हैं जिससे बाहर का जो धूल मिट्टी वगैरह है वो पेंट पे आके ना चिपके। तो यहाँ पे बॉडी शॉप का बहुत काम होता है,
बहुत सारे एक्सीडेंट्स वगैरह गाड़ियाँ भी वहाँ पे खड़ी हुई थी जिनको इन्होंने बहुत रिपेयर वगैरह वो करके वो उन्होंने तैयार भी कर लिया था। कॉस्ट भी इनके रीजनेबल है, तो आप अगर बजट में अगर चाह रहे हैं तो यू कैन गो एंड लुक फॉर देम। गाड़ी में अगर स्क्रैच वगैरह रहता है या ऐसा जैसे मान लीजिए पास में से किसी और ने स्क्रैच करके वो चला गया या हल्का सा कोलिजन हो गया, तो उसके बाद अच्छा नहीं लगता है गाड़ी को देखने में। तो मुझे तो बेसिकली मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि मेरी गाड़ी अगर है तो वो एकदम बढ़िया होनी चाहिए, उसमें थोड़ा सा दाग वगैरह था तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, शायद आपको भी ना लगता हो। तो इसलिए मुझे ज़्यादा दिन तक गाड़ी को उस कंडीशन में रखना पसंद नहीं है, मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ इस चीज़ को लेके। तो यहाँ पे देखिए ये साइड का फेंडर का शायद कुछ काम हुआ था, साइड का बॉडी का शायद कोलिजन हुआ था, तो उन्होंने उसको रिस्टोर किया और साइड में उन्होंने उसको पेंट कर दिया। तो उन्होंने वो मुझे कह रहे थे कि 99% पेंट मैच हो जाएगा और उसके बाद पॉलिश वगैरह करवा देने के बाद तो शायद वो नोटिस में भी नहीं आता है। यहाँ पे ये और एक गाड़ी है, इसका भी काम चल रहा था, तो होपफुली ये काम जो कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं, तो आप जा सकते हैं इनके पास। तो फिर जैसा कि आपने वीडियो में देखा, मैंने जैसा आपको बताया, तो आपको आसपास जो रहते हैं उनके लिए थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव भी होगा ये वीडियो, वहाँ पे आप लेके जा सकते हो। काफ़ी अच्छा वहाँ पे फैसिलिटीज वगैरह अच्छा है। तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर एक लड़का जो शायद वहाँ पे फ्लोर वगैरह देखता है, मैनेजर है, तो उसका भी मैं नंबर अभी नीचे मैं डाल देता हूँ। आलम नाम है मेरे ख्याल से, बड़ा अच्छा बंदा है, आपको रिस्पॉन्सिव है, आप क्वेश्चन आप जितना पूछेगा वो आपको शांति से आपको आंसर भी देता है, अच्छा बंदा है। तो आप उसके संग बात करें, कॉन्टैक्ट करके भी आप जा सकते हो। कुछ दिनों में कुछ और वीडियोस वगैरह लाऊंगा, मेरी खुद की गाड़ी को भी मुझे पेंट करवाना है, थोड़ा सा स्क्रैचेस वगैरह बहुत सारे चारों तरफ से पड़ गए जैसे कि आप सबको पता है। तो एक साल ऑलमोस्ट मेरी गाड़ी का हो गया है, तो शुरुआत के सीखने के दिन में और थोड़ा सा पार्किंग वगैरह में गाड़ी निकालते वक्त, ऑफिस में घुसाते वक्त, रास्ते में कहीं भी छोटा मोटा यहाँ वहाँ टच हो जाती है गाड़ी, तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि गाड़ी वगैरह में स्क्रैचेस रहे। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी एक अच्छे पेंट बूथ में ढूंढ के वहाँ पे अच्छे से पूरे गाड़ी को चारों तरफ से जहाँ पे भी थोड़ा सा काम है वहाँ पे बढ़िया से स्क्रैच वगैरह सब दूर कराऊँ, थोड़ा पेंट कचर वगैरह कराऊँ और एकदम फिर से उसका लुक जो एकदम नया टाइप का मैं लेके आऊँ। तो यहाँ पे जो मैं आपको दिखा, यहाँ पे भी मैं काम करवा सकता हूँ, मैं इसको भी कंसिडर कर रहा हूँ क्योंकि इनका काम अच्छा है, डेफिनेटली अच्छा है। तो पेंट क्वालिटी वगैरह भी अच्छा यूज़ करता है, बहुत रीजनेबल भी है, मुझे उन्होंने अच्छा रेट वगैरह दिया हुआ। तो कुछ और भी जगह हैं जहाँ पे मैंने जिनको कंसिडर में करके रखा हुआ है, मैंने डिसीजन अभी तक लिया नहीं है, तो उसका भी थोड़ा वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या काम मैं अपनी गाड़ी में कर रहा हूँ। और पुराने जैसे कुछ वीडियोस वगैरह थे घड़ियों के या टेक्नोलॉजीज के, वो सब वीडियोज़ भी मैं लेके आऊँगा लाइफस्टाइल के ऊपर। और एक नया एक एस्पेक्ट में भी मुझे बहुत इंटरेस्ट, मुझे रुचि मुझे आया पिछले एक साल से, तो जिन लोग समझदार हैं उन लोग ये वीडियो देख के समझ गए होंगे कि किस डिपार्टमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे मैं अभी तक मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा चेक वगैरह कर रहा हूँ कैसे होता है, किस तरीके से अलग अलग चीज़ें होती है, तो बहुत जल्दी उस डिपार्टमेंट में भी मैं वीडियोस वगैरह बनाऊँगा। तो अगर आप समझ गए हैं तो वेट कीजिए, अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आऊँगा आप सबके सामने प्रेजेंट करूँगा जिससे आपको भी थोड़ा सा आइडिया मिले। और अगर वीडियो अगर आप ये देख रहे हैं और बिना सब्सक्राइब करके जा रहे हो तो ऐसा मत कीजिए, आप सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक कीजिए और अगर हो सके अपने कीमती समय से निकाल कर एक कमेंट वहाँ पे कर दीजिए, जिससे मुझको भी अच्छा लगेगा और आने वाले वीडियोस को और इंटरेस्टिंग बनाने का मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो अगले वीडियो के लिए बने रहें मेरे साथ और अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। तब तक के लिए थैंक यू।